आपके हेयर आर ऑल सेट एकदम हर एंगल से मेरे हेयर बता दो भाई सही है कि नहीं नो नो जैसन ले रहनी वैसन मोर बाड़ी सावर गोर बाड़ी हो बीजेपी का कोई कॉम्पिटिटर जैसा हमको दिखाई नहीं दे रहा बीजेपी इस वक्त ज्यादा सीटों के साथ जीत रही है वो चले उनको वॉक करने का शौक़ है वो वॉक पे निकले हैं उस बहाने उनको अच्छी सड़कें देखने मिल रही हैं मुझे तो कहीं डर लग रहा है कि कहीं वो आते जो यात्रा ख़त्म करके कि वो बीजेपी ना ज्वाइन कर लें इतने काम हुए कि मुझे मैं आपको बता नहीं सकता हूँ गोरखपुर में मैं एक्टर था इसीलिए मुझे मैं सांसद बना उस पार्टी के लिए स्टार प्रचारक बन के मैं हर जगह मेहनत करता हूँ दिन रात मेहनत करता हूँ नमः पार्वती पते हारा हारा महादेव वही सत्य है। हेलो नमस्ते मेरा नाम है रिया श्री और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव आज मैं आई हूँ एक इंटरव्यू के लिए पर मैं अपने गेस्ट के इंट्रोडक्शन को लेकर थोड़ी सी कंफ्यूज हूँ दरअसल मेरे जो गेस्ट है ना वो अभिनेता तो है ही नेता भी हैं। अभिनेता तो उमदा है ही जनाब नेतागिरी में भी बहुत आगे हैं मैं आज आई हूँ ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रवि किशन जी के पास सर आपका बहुत बहुत स्वागत है एबीपी लाइव पर थैंक यू जी आपका भी स्वागत है और आपने थोड़ा मेरा इंटरव्यू के लिए थोड़ा आपको इंतजार करना पड़ा मैं उसके लिए क्षमा चाहता अरे नहीं सर आपने अपना समय दिया मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना mm -hmm. चाहूंगी वैसे ठीक लग रहा है सर mm -hmm. सेटअप वगैरह सब वेरी नाइस एंड मैं आपका ये इंटरव्यू देखता हूँ डिजिटल पे एबीपी पे आपका ये अनगिनत करोड़ों जो व्यूअर्स हैं लाखों व्यूअर्स हैं और ये शो आपका बड़ा पॉपुलर है उसके लिए आपको और आपकी टीम को मैं बहुत साधुवाद देता हूँ कॉग्रेचुलेट करता हूँ कि यू आर डूइंग रियली गुड जॉब थैंक यू वेरी मच सर थैंक यू तो सर जैसे कि मैंने मैंशन किया स्टार्टिंग में ही कि आप कमाल के अभिनेता हैं और जब से आप पॉलिटिक्स में आए हैं आप जिस तरीके से लोगों के मुद्दे उठाते हैं लोगों को वो बहुत लुभाता है अब बीजेपी ने आपको गुजरात विधानसभा इलेक्शंस में स्टार कैंपेनर बनाया है तो मैं शुरुआत गुजरात चुनावों से करती हूँ क्योंकि चुनाव सिर पर है तो सर मैंने सुना है कि आपने गुजरात चुनावों को लेकर एक रैप सॉन्ग बनाया है तो अगर आप <coughs> प्लीज आई रिक्वेस्ट यू अगर आप दो लाइन के लिए सुना दे तो वेल well, मैंने अभी किसी को सुनाया नहीं था लेकिन आपने कहा तो मैं क्योंकि अभी वो गाना रिलीज होने वाला दो दिन में तो इतना ही कहूंगा कि केम छो बता हूँ किशन सांसद गोरखपुर तमना माटे एक रैप सॉन्ग है मारो ये पूछवा बदा ने कि गुजरात में बापा कौन छे गुजरात माँ कौन छे तो बदा कैसे जेनुनली कैसे जिसके वजह से विकास हुआ कि गुजरात माँ मोदी जी छे गुजरात माँ नरेंद्र भूपेंदर छे, छे। मिट्टी में कुछ बात बा गौरव के गुजरात बा सो इट गोज इन टू रैप उसके बाद भोजपुरी और गुजराती का एक फ्यूजन आएगा जो आप लोगों के लिए बहुत सरप्राइज होगा और आ, जैसे वो जे कबो ना रहाल ऊ अब बाूपी में सब बा वो एक सॉन्ग आपको रात बहुत पसंद आया था और वो यूपी के चुनाव में उसने बहुत बड़ी भूमिका अहम भूमिका निभाई थी उस मेरे गाने ने और मैं चूंकि सिंगर नहीं हूँ लेकिन अब मैं अपनी पार्टी के लिए भारतीय जनता पार्टी के लिए गाना शुरू किया है और मेरा मन किया कि मैं अपने प्रधानमंत्री जी के लिए भूपेंद्र जी के लिए और मेरे गुजरात के मेरे अनगिनत फैंस जो हैं मैं क्योंकि गुजराती रिलीज भी नहीं किया है और वो हमारी ऑडियंसिस के लिए उन्होंने दो लाइन सुनाई सो थैंक यू वेरी वेरी मच सो जैसे मैंने किया कि आप स्टार कैंपेनर्स में से एक है और आप में थोड़ा हटके फैक्टर है तो लोग आपसे डायरेक्टली कनेक्ट भी कर पाते हैं तो सर गुजरात इलेक्शंस के लिए क्या स्ट्रैटेजी रहेगी बेसिकली आपकी देखिए जाके सच बताना विकासों की बात विकास की बात करनी है बाकी किसी की बात वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी पिछले 27 साल से जो यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे और जब कांग्रेस मुक्त हुआ था गुजरात और जो जहाँ पे एक बंजर जमीन थी वहाँ पानी नहीं था नर्मदा डैम से लेके वहाँ पर एक विकास वहाँ सड़कें और हीरा बाज़ार वो बिजनेस वो उद्योग और लोगों को सुरक्षा व्यवस्था डिसिप्लिन गुजरात एक गुजरात और मॉडल बन गया था देश में पूरा और मॉडल है गुजरात एक सक्सेस का मॉडल है तो वही सारी बातों को आपको दोबारा से बताना है कि उस गति को उस विकास की गति को उस गंगा को उस नर्मदा नदी को जो आज वहाँ से नर्मदा निकलकर वल्लभ भाई पटेल जी के आशीर्वाद मोदी जी के आशीर्वाद से समस्त गुजरात को उसका आशीर्वाद मिल रहा है आज वहाँ हरित गुजरात हो गया है उस गंगा को किसी की नज़र ना लगे और भारतीय जनता पार्टी के साथ गुजराती समाज है गुजराती समाज मोदी जी के साथ है मोदी जी गुजराती समाज के क्योंकि स्वयं वो गुजराती हैं है, भूपेंद्र भाई गुजराती हैं और गुजराती समाज को क्या चाहिए और क्या उनके पास सदैव चाहिए उनको क्या वही बातें करना है विकास की बातें करना है बाक़ी वहाँ पर ना कोई और पार्टी है ना किसी और पार्टी के बारे में बात करना ना वहाँ कोई अपोजिशन है ना किसी को वहाँ की जनता चुनेगी बिकॉज़ भ्रष्टाचार नहीं है कोई दाग नहीं है हमारे भूपेंद्र भाई पे कोई दाग नहीं है भारतीय जनता पार्टी पे

प्रॉपरली सब सिस्टमैटिक है उन लोग वहाँ पे भी आए हर्ट कम्प्लेन्स आर इंडिया इज बेस्ट थैंक्स टू आर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी एट द वे ही इज ऑर्गेनाइज को जैसे कोविड में जैसे अपना स्वदेशी वैक्सीन बच, बना के देश को बचा ले गए कोविड को ढाई साल से पूरे देश अस्सी करोड़ को अनाज मुफ्त में मिल रहा है अनबिलीवेबल और देश को चलाना और ऑर्गेनाइज तरीके से चलाना और क्लीन कंट्री बनाने के उसमें शौचालय से लेके प्रधानमंत्री आवास योजना आयुष्मान योजना में आप पाँच लाख रुपया इलाज के लिए मिलना छः हजार रुपया किसान के खातों में मिलना बेटियों के लिए कुसुम योजना रवि जी इन मुद्दों में एक जो बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ मोरबीपुर हादसा लोगों के मन में बहुत लोग बहुत डिप्रेस हैं उस चीज को लेके बहुत अपसेट हैं तो जब ऐसे सेंसिटिव चीज़ें हो जाती हैं तो कैसे पार्टी ये भी एक प्रॉब्लम है पार्टी कैसे इसको भी उनको सेटिस्फाई कर पाएगी क्योंकि बहुत अनफॉर्चुनेट था जो देखिए बहुत दुखद रहा बहुत लोगों की मौतें भी, वो एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट था पीएम मोदी जी के भी बहुत उनको आघात लगा स्वयं वो वहाँ गए और ये जिनकी लापरवाही थी देव एम डीन अरेस्टेड उन पर उन पर कानूनी कार्रवाई होगी और लापरवाही की, की मुझे पता है जितना मैं अपने प्रधानमंत्री जी को जानता हूँ जितना देश जानता है उनको वो वो उनको वो वो बक्शे नहीं जाएंगे जो भी इससे जुड़े हुए लोग हैं और थोड़ा सा यू नो ओवरलोडेड था किसने किया वाई देवर केयरलेस वाई देव सोल्ड मोर टिकट्स वेन दे नो की ओल्ड ब्रिज इट नॉट सो देर सो मेनी थिंग्स विच देआर डेफिनेटली अभी उस पर पूरा एक स्कैनिंग चल रही है उस पर पूरा उस पर एक जाँच बैठी है एंड बट uh, जो भी हुआ बहुत दुखद रहा

और ऐसा प्रार्थना करना चाहिए कि ऐसा किसी भी स्टेट में या किसी परिवार में ना हो या जो लोग बोल रहे हैं उनके किसी के साथ ना हो तो रवि जी जब कांग्रेस आप सब लोग इतना वहाँ पे प्रचार कर रहे हैं तो बीजेपी के लिए एक ओवरऑल पिक्चर में हमारे ऑडियंस के लिए बताइए कि क्या आपको लगता है कौन मेजर कॉम्पिटिशन है अभी कांग्रेस है कि आम आदमी पार्टी देखिए वहाँ पर अभी बीजेपी आ, का कोई कॉम्पिटिटर जैसा हमको दिखाई नहीं दे देगा okay. इस वक्त मैं आपको जो मैं करंट सिचुएशन बता रहा हूं ये नहीं क्योंकि अब तो चुनाव अगले महीने रिजल्ट आ जाएगा mm -hmm. आप मेरी बात को गौर करिएगा हाँ बीजेपी इस वक्त ज्यादा सीटों के साथ जीत रही है mm -hmm. और बिकॉज uh, सबने कांग्रेस कौ, को भी देख लिया था mm -hmm. दूसरे राज्यों में भी देख mm -hmm. रही आपको भी देख लिया कि दिल्ली में क्या कर रहे हैं पंजाब में क्या कर रहे हैं झूठ के फॉर्मूले में वो लोग फंसेंगे नहीं एंड दे नो कि ये सब ढकोसला है इसमें फंसना नहीं और वो आ, फैक्ट गुजरात नहीं लेगा जो कि यहाँ के कुछ लोगों ने उस फैक्ट को ले लिया दिल्ली वगैरह ने ये झूठ का लॉलीपॉप गुजरात बाय नहीं करेगा तो रवि जी अभी मैं विपक्ष की बात कर रही थी तो राहुल गांधी की ये जो भारत जोड़ो यात्रा है काफी सुर्खियां बटो रही है रोज आप न्यूज सेक्शन में कुछ ना कुछ देखते होंगे तो आपका क्या ओपिनियन है ना? आपके क्या है इस वो अब, अब वो चले उनको वॉक करने का शौक है वो वॉक पे निकले हैं और उसमें कोई बुराई नहीं है इंसान को चलना चाहिए और अच्छा है मोदी जी ने उनको इस बहाने उनको अच्छी सड़कें देखने मिल रही हैं ग्रोथ देखने मिल रही है बिजली देखने, देखने मिल रही है और मुझे किसी ने तो कहा कि वो जब यात्रा खत्म होगी तो बीजेपी में आ जाएंगे बिकॉज वो इतना सक्सेस पूरे देश में देखेंगे कि हमारे दौर में ऐसा नहीं था और इतना ग्रोथ हुआ है ना um, मुझे तो कहीं डर लग रहा है कि कहीं वो आते जो, यात्रा खत्म करके ये वो बीजेपी ना ज्वाइन कर लें ओके रवि जी वेरी इंटरेस्टिंग आंसर्स कमिंग फ्रॉम वन एंड ओनली रवि किशन सर आपका ना यूथ में बहुत क्रेज है क्योंकि आपका योर ओमली प्रेजेंट आई वुड से आप फिल्म uh, mm. करते हैं देन आप वेब सीरीज करते हैं सो so, आप इवेंट्स में जाते हैं आप uh, हर जगह रील्स में आप ट्रेंड करते हैं आपके सॉन्ग्स इतने हिट हैं, तो एक जो बड़ा प्रॉब्लम है आई वुड से कि जो यूथ है बहुत टाइम से गुजरात में बेरोजगारी और सरकारी नौकरी को लेकर जद्दोजहद चलती रहती है यूथ तैयारी करता है और फिर पेपर लीक हो जाते हैं सरकारी नौकरी नहीं मिल पाती तो थोड़ा सा अपसेटिंग होता है और जब आपके जैसे युवा नेता होते हैं आपके ऊपर और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है क्योंकि आपसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन है नॉट ओनली अ स्टार यू हैव सब होता है, होता है, तो, एक थोड़ा सा हो जाता है. तो आप लोग यूथ के लिए बेसिकली क्या करेंगे यूथ के लिए जितना मोदी जी की सरकार सोच रही है प्रधानमंत्री जी भारतीय जनता पार्टी एक बात बताएं जब निस्वार्थ प्रधानमंत्री होते हैं निस्वार्थ मुख्यमंत्री होते हैं तो वहाँ ज़्यादा चिंतन होता है एक तो परिवार के लिए पैसा नहीं बनाना है परिवार बंगले नहीं बनाने फैमिली के लिए डायमंड नेकलेसेस नहीं खरीदने ज़मीनें नहीं खरीदनी है बड़ी बड़ी गाड़ियाँ नहीं खरीदनी फालतू शौक नहीं है एब्रॉड जाके छुट्टियाँ नहीं मनानी है फॉरेन में जाके बैंक में पैसा पार्क नहीं करना है फॉरेन में लैंड नहीं लेना बेनामी संपत्तियाँ नहीं है मैं सबको यूथ को आपके ए के जितने भी दर्शक हैं मैं आप लोगों को हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ आप लोग रिलैक्स रहें आपके लिए सरकार डे एंड नाइट सोच रही है आपका चिंतन एक अभिभावक के रूप में एक प्रधानमंत्री के रूप में एक बड़े भाई के रूप में प्रधानमंत्री जी नॉनस्टॉप कर रहे हैं आप जिस राज्य में भी हैं वहाँ भाजपा की सरकार है आप लोगों के लिए चिंतन किया जा रहा है आपके जॉब्स के लिए आप लोगों के भविष्य के लिए आप लोगों को एक ऐसा देश बना के प्रधानमंत्री देना चाह रहे हैं कि आप लोग अब्रॉड जाके पढ़ना यार वहीं रहने का सपना कुछ सालों के बाद छोड़ दोगे गोरखपुर आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है सबसे पहले तीन ऐसे अच्छे काम गोरखपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी में जब से आप आए हैं इलेक्टोर एक एबीपी के कैमरा पे सर एक बार बता दीजिए तीन अच्छे काम आ, में। तीन अच्छे काम है कि एक तो फिल्मों के शूटिंग जब से मैं सांसद बना पचासी फिल्मों की शूटिंग होगी अभी मैं गोरखपुर का महादेव एक फिल्म कर रहा हूँ पांच भाषा में जो कि बारह से पंद्रह करोड़ का बजट है और बहुत सारे कलाकारों को काम देना अनगिनत रहा आकाशवाणी बंद हो रहा था वो दोबारा से उसको शुरू करने से लेके बहुत सारी पार्लियामेंट में इश्यूज रहे हैं। और ड्रग्स के इश्यूज को उठाना और गोरखपुर की समस्याओं को लेके आना और वो बहुत सारी चीजें बहुत सारे जो सिक्स लेनस रहे उसके लिए प्रयास करके उसको लेके आना तो लेकिन मेरे प्रधानमंत्री जी का मेरे महाराज जी का आशीर्वाद रहा और मैं इतने काम हुए कि मुझे मैं आपको बता नहीं सकता हूँ गोरखपुर में आप गोरखपुर आए आप खुद देखें गोरखपुर की ब्रांडिंग होते रहती गोरखपुर की ब्रांडिंग करता हूँ और मैं अपना एक रोजगार लेके जाके एक नया रोजगार दिया जो है फिल्मों का रोजगार जो कि बहुत बड़ा रोजगार है जिससे गोरखपुर वासियों को बहुत राहत मिली अनगिनत चीजें होंगी अब गोरखपुर महोत्सव होगा इसमें नए नए कलाकारों को ब्रेक मिलेगा और गोरखपुर की आवाज जैसे महाराज जी उठाते थे उसी प्रकार मैं इसकी आवाज उठा के इस, इसकी आवाज बन के गोरखपुर की सेवा भी करता रहूंगा अपना वहाँ ईमानदारी से काम भी कर करूँगा तो राजनीति से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन हो गए अब क्योंकि रवि किशन जी का एक फैन बेस है एक्टिंग के लोग दीवाने हैं तो पूछ लेते हैं कुछ फैंस के क्वेश्चन लेंगे और कुछ नॉर्मली रवि किशन जी से पूछ लेंगे कि रवि किशन जी इतना काम करते हैं तो एक्टिंग और पॉलिटिक्स में बैलेंस कैसे बनाते हैं देखिए एक्टिंग चूंकि मेरी सांसें ऑक्सीजन है, है मुझे okay. वो करता हूँ क्योंकि फैंस को पसंद है मैं एक्टर था इसीलिए मुझे hmm. मैं आ, सांसद बना आ, क्योंकि मैं आ, वहाँ पे एक मेरा फैन बेस है बहुत बड़ी hmm. आबादी का मैं सुपरस्टार हूँ भोजपुरिया समाज है हिंदी समाज सब लोग मुझे प्यार करते हैं hmm. और मैं उस वही काम आता हूँ आज और उसको मुझे मेनटेन करके रखना और उसको कोशिश है कि मैं शूटिंग वहीं पर करूँ गोरखपुर में ही Okay. और वहीं पे करता हूँ ताकि लोगों को काम भी मिले वहाँ पे रोजगार भी मिले और मैं जनता की शूट शॉट के बीच में सेवा भी करता रहता हूं, उनकी प्रॉब्लम्स भी सुनता हूँ लगातार मैं कैमरे से भी बात करता रहता हूँ मेरे ऑफिस में सब कैमरेज लगे हैं मैं मोबाइल पर उनसे मैं उनकी समस्याओं को देखता भी रहता हूँ लेकिन अक्सर मैं ज्यादातर अब गोरखपुर में घर बना लिया मैंने वहीं रहता हूँ अच्छा अच्छा अगला क्वेश्चन है कि रवि किशन अपने आप को बेहतर अभिनेता समझते हैं या बेहतर नेता नेता तो ये जनता ही बता सकती है दोनों सवाल जनता पर जाते हैं लोग पसंद कर रहे हैं इसलिए बत्तीस थर्टी टू ईयर्स हो गया शायद मैं बहुत छोटी उम्र से शुरू किया था लोग मुझे देख रहे हैं दैट मीन्स दे लाइक मी एंड बस मैं यही कहना कि ये एज एन एक्टर पसंद करते हैं इसलिए सात सौ फिल्में की मैंने जी, yes. और साढ़े चार सौ भोजपुरी की और वेब शोज और सब कुछ जो आप सब बता रही थी

आपको डर कैमरे से नहीं लगेगा तो रंगमंच जरूर आप लोग करें मतलब रंग और जहाँ भी हो सके और मिरर के सामने करें डांस जब मन करे करें जहां जो मन करे वो जिंदा जिंदा रहे और हर पल को जीना चाहिए रवि जी आपके ओपिनियन में कोई ऐसा अभिनेता है जो कि जब से राजनीति में आया है नेता बने हैं तो बहुत ही उम्दा काम करे आपकी नजर कोई एक नाम स्मृति रानी जी बहुत अच्छा काम कर रही एक एन टी आर एन टी राव थे आंध्र प्रदेश जी। में वो सुपरस्टार थे और एम जी रामाचंद्रन थे तमिलनाडु में लोग ये, लो ये रेवोल्यूशन लेके आए थे जयललिता जी थी तो, हमारे यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं बहुत हेमा मालनी जी काम कर रही हैं दे आर गुड एक्टर्स दे बिकॉज एक्टर कम्युनिटी बहुत सेंसिटिव होती है कलाकार बहुत वो कोई दुख लेके आता है तो तुरंत वो समझ जाते हैं वो कितने हद तक तो, कितने लेवल तक वो आदमी पे पीड़ा से गुजर रहा है इसलिए कलाकार बहुत जल्दी सेंसिटिव होके आगे एंड इफ दे वर्क रियली हार्ड सो दे बिकम बिकॉज यू नो देश को लगता है कि हमने इनको बनाया अब अब ये लोग हमारी सेवा कर रहे हैं तो जनता को बहुत अच्छा लगता है जब उनका हीरो या उनकी हीरोइन उनकी सेवा करते हैं ओके okay. रवि जी से लोगों ने पूछा है कि रवि किशन जी का फेवरेट अभिनेता और अभिनेत्री अभिनेत्री मेरे बहुत सारे हैं हर एक्टर ने मुझे कुछ ना कुछ सिखाया मिथुन दादा अमिताभ बच्चन साहब नसीर भाई नाना पाटेकर मैनी एक्टर मैनी श्री जी रही हैं बहुत सारे काजोल रही हैं दीपिका पादुकोण है रणवीर सिंह हैं आमिर खान हैं बहुत सारे लोग हैं सलमान हैं शाहरुख हैं अक्षय कुमार है सो एवरी एक्टर गिव्स यू समथिंग

तो पैसे बहुत सारे हैं, बट जो मेरी फेवरेट है कि नमः पार्वती पते हारा, हारा महादेव वही सत्य है और वही सच है और उसी के साथ मैं जीता हूँ रवि किशन जी आपके समय का बहुत बहुत Thank you. शुक्रिया थैंक यू वेरी मच थैंक यू तो ये थे मेरे साथ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रवि किशन जी रवि किशन जी ने बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर दिए गुजरात इलेक्शंस पे बोला आपके क्वेश्चंस का आंसर दिया अपनी फिल्मी करियर के बारे में बात की तो अभी इस इंटरव्यू में फिलहाल इतना ही ऐसे ही और इंटरेस्टिंग इंटरव्यूज देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए एबीपी लाइव इस वीडियो को भी लाइक करना ना भूलें शेयर करना ना भूलें बाकी खबरें जानने के लिए भी देखते रहिए एबीपी लाइव